नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। कोविड 19 में लगाए गए 130 कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। भीषण गर्मी में धरना देते समय एक महिला की हालत बिगड़ी। इतनी तेज गर्मी में धरना दे रही महिला गश खाकर गिरी। हालत खराब होने पर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया। कोविड 19 में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हुई थी नियुक्ति। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी NHM में अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने की कर रहे हैं मांग। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का मामला। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। आराम से इतने लोग हैं, उनको बेटा भी नहीं जा रहा है। भैया शाहिद, क्या मामला है, किस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया आपने? क्या मामला है? हम लोगों का मामला है, हम लोग कोविड काल में भर्ती किए गए थे, जो कि अभी 30 जून तक के लिए हम लोगों को लेटर दिया गया। अंतिम बार 30 जून तक हमसे सेवाएं ली जाएंगी। अभी तक हम लोगों ने 3 साल से बराबर निरंतर सेवाएं दी हैं। अब हम लोगों को बाहर किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग NHM में समायोजन के लिए हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। और कोई मांग थी इसके अलावा? नहीं, ओनली हमारा ज्ञापन है समायोजन का, और दूसरा मानदेय का। मानदेय हम लोगों का कभी भी समय से नहीं आता है। वो बेहोश हो गई गर्मी के कारण, धूप में। कहाँ भिजवाया है उनको? लोहिया अस्पताल भिजवाया हुआ है। करीब कितने देर तक आपका धरना प्रदर्शन चलता रहा? यहाँ समथिंग आधा घंटा। एक बार आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसका पुनः आपको ज्ञापन देना पड़ा, क्या मामला है? आपने एक बार ज्ञापन दिया, उसके बाद फिर से ज्ञापन देना पड़ा जी, क्या क्या बात हो गई थी? हम लोग, हमारे साथी लोगों ने कहा हमसे डायरेक्ट, सर जो है पहले सर ने 4 लोगों के बीच में दिया ज्ञापन, इसलिए हमारे साथी लोग बोले हम लोगों के साथ में सभी लोगों के एक साथ में लेकर के सर ज्ञापन लें, इसलिए हमें दोबारा से ज्ञापन। अभी अगर आपको आश्वासन क्या मिला? आश्वासन सर ने ये दिया है, हम आगे आपका लेटर फॉरवर्ड कर देंगे, जो आगे होगा वो हम बताएंगे आपको। अगर एक हफ्ते का समय दिया है, पूरी नहीं होती है तो क्या कदम रहेगा आगे? आगे मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा जो प्रदेश स्तर से जो भी कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। अच्छा, अभी 30 तारीख में काफी समय है जी, तो अभी आप लोग काम करते रहेंगे या काम? अभी कार्य करते रहेंगे, कार्य निरंतर सेवाएं देते रहेंगे, अभी तक जैसे सेवाएं देते आए हैं।